हेलो गाइस, वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूं चितेश। सो गाइस, आज फिर आए हैं मनीष भैया के पास। तो मनीष भैया, बता दो आज कौन सी गाड़ी रेडी कर रहे हैं हम? ओल्ड फॉर्च्यूनर है टाइप 1, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। उसमें हेडलैम्प, टेल लैम्प, हेडलैम्प DRL, उसके अलावा 3 सेट LED लगा रहे हैं उसमें। अंदर टेस्ला स्टीरियो, इंटीरियर पूरा सीट कवर वगैरह सब। तो गाइस, एक तरह से अपनी जो फॉर्च्यूनर टाइप 1 है वो मॉडिफाई हो रही है, और उसमें आपको एक स्पेशल चीज दिखाऊंगा जो उसकी हेडलाइट है। मनीष भैया ने खुद कस्टमाइज करी है, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, तो वो आप देखना। आपको एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ गाइस, BMW अपने इंस्पायर्ड है, BMW स्टाइल इंस्पायर्ड है, तो आप चेक करना और बताना कैसे है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। Here we have Fortuner Type 1 और गाड़ी का काम हो चुका है स्टार्ट। तो जो मैं आपको हेडलाइट कस्टमाइजेशन बता रहा था वो अपनी हो चुकी है। तो गाइस, इसमें आप अपने डबल रिंग लगी है और ये इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है, तो ये इस इंस्टॉल करिए। तो अभी एक बार ऑन कर दो। तो गाइस, आप चेक कर सकते हो अपने, बिल्कुल BMW स्टाइल है और अपनी डबल रिंग्स है। दूर से आपको लुक दिखाऊँ तो पूरी कुछ अपनी ऐसी लुक आती है इसकी, आप चेक कर सकते हो पूरी लुक, ये देखो। और भैया, क्या फॉग लैम्प ऑन कर दो। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी अपनी इसके अंदर LED डली है, नाइट आई कंपनी की, आप रिस्पांस चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। और ऊपर भी इसके अंदर अपनी LED डली है, लो बीम के अंदर भी, हाई बीम के अंदर भी। तो ये लाइट्स भी ऑन करके दिखा दो। तो गाइस, अपनी लो बीम और अपनी हाई बीम आप चेक कर सकते हो। रोड पर थ्रो दिखाऊँ तो आपको एक आइडिया दिखा देता हूँ रोड पर थ्रो का, आप चेक कर लो। और भैया, एक बार इंडिकेटर ऑन कर दो सब कुछ बंद करके। सो गाइस, आप इंडिकेटर भी देख सकते हो और देख सकते हो कितना क्लासी लग रहा है, बिल्कुल शानदार लग रहा है। जो ये गाइस मेरा पर्सनली फेवरेट है, आप चेक करो मतलब। और फिनिशिंग देख सकते हो कितनी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आई है। और भैया, DRL ऑन कर दो एक बार दोबारा से। सो गाइस, अपनी DRL ऑन हो गई। और आप जब भी अपना सिंगल इंडिकेटर ऑन करोगे अपनी इस साइड की, ये अपने इंडिकेटर जल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप दोनों को कंपैरिजन देखना चाहो, लुक देखना चाहो, तो हमने कुछ ऐसी लुक आ रही है, देखो भाई बहुत ही बढ़िया लुक लग रही है। और इस साइड से भी दिखा देता हूँ। गाइस, ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, कस्टमाइज खुद करी गई है, इसे प्रॉपर खोल के और इसे दोबारा से सीलेंट लगाया जाता है ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए, तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, इस हेडलाइट कस्टमाइजेशन के बाद साथ में आपको इसके अंदर एक न्यू तरह की ग्रिल दिख रही होगी, तो उसके अंदर ग्रिल भी इंस्टॉल हुई है, आप चेक कर सकते हो। ताइवानी इम्पोर्ट ग्रिल होती है, कोई चाइनीज ग्रिल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेड ग्रिल इसके अंदर लगी। और दूर से आप ग्रिल वगैरह की लुक देख सकते हो कैसी आ रही है। और साथ में फ्रंट में एक और चीज़ देखो, तो गाइस इसके अंदर अपनी फॉर्च्यूनर की पूरी बैजिंग डली गई है, आप देखो यहाँ पूरी फॉर्च्यूनर की बैजिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप ओवरऑल लुक देखो तो गाड़ी की लुक काफ़ी चेंज हो चुकी है। और गाइस, ये जम्मू कश्मीर से गाड़ी आई है मॉडिफाई होने, आप चेक करो पूरा लुक देखो। तो गाइस, ये तो बात हो गई फ्रंट प्रोफाइल की, और अब चलते हैं साइड में। तो ये गाइस फॉर्च्यूनर टाइप 1 है, तो इसके अंदर अपने ये इंडिकेटर वाले मिरर्स नहीं आते, तो ये भी इसके अंदर अभी इंस्टॉल करे गए हैं। टाइप 2 के जो फॉर्च्यूनर के मिरर्स आते हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं, तो इसके अंदर अपने इंडिकेटर्स आ चुके हैं ORVM पे, आप चेक कर सकते हो ये। और इंडिकेटर भी वर्किंग है, और लुक भी आप देख सकते हो इतनी शानदार हो गई है। टाइप 2 के मिरर्स पूरे गाइस आफ्टर मार्केट, पूरे मिरर्स चेंज होते हैं इसके, और पूरी असेंबली आपकी चेंज होती है, इसकी पूरी लुक देख सकते हो। और ये ऑन करके मैं दिखा दूंगा। और अगर गाइस आप बैक के साइड आए, तो बैक इसके अंदर पूरी अपनी लैंड क्रूजर वाली जो लाइट होती है वो इसके अंदर इंस्टॉल हुई है, लैंड क्रूजर डिज़ाइन की जो होती है, आफ्टर मार्केट लाइट है ये पूरी, देखो ऑन करके मैं दिखा दूंगा। और जैसे गाइस अपना फ्रंट में फॉर्च्यूनर लिखा गया था, वैसे ही फॉर्च्यूनर बैक में भी लिखा जा रहा है, उसकी पूरी बैचिंग है। तो एक बार मैं आपको लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखा देता हूँ उसकी। तो गाइस, इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है, और गाइस पूरी अपनी आफ्टर मार्केट लाइट आती है, आप चेक कर सकते हो। लैंड क्रूजर जो गाड़ी आती है टोयोटा की, उसके सेम इंस्पायर्ड है लाइट्स, ये अपनी पार्किंग पे हो गई। और ये LEDs अपने ब्रेक पे, और इंडिकेटर देखो गाइस, ये भी अपना LED में है, हेलोजन में नहीं है, और ये भी अपना मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स से मेरा मतलब है गाइस जो प्रॉपर मूविंग होता है, रनिंग होता है, आप चेक कर सकते हो। और ये भी गाड़ी की लुक काफ़ी चेंज कर देता है अपने साथ में। ये गाइस आपको दिख रही होगी, आपको टाइप 1 स्टॉक खड़ी है, उसकी लाइट कंपेयर करो और आप इसकी लाइट कंपेयर करो, गाड़ी की लुक काफ़ी चेंज हो चुकी है। और साइड प्रोफाइल में अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इंटीरियर की तरफ भी चलेंगे गाइस, साइड प्रोफाइल के इसके अंदर अपने रेन वाइजर भी इंस्टॉल हुए हैं, तो ये तो बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, बस आप देख सकते हो इसका भी काफ़ी बेनिफिट है। और जो अपना इंडिकेटर था मैं वो भी चेक कर आपको दिखा देता हूँ, जो साइड में ORVM था जो इसके अंदर इंस्टॉल हुआ, जो टाइप 1 के अंदर नहीं आता है, आप चेक करो, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। और फ्रंट से एक बार ओवरऑल लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसी लुक आ रही है फ्रंट से गाइस, बिल्कुल लुक चेंज हो चुका है, ग्रिल और जो अपनी लाइट्स कस्टमाइज करी है उसके बाद। और फ्रंट के अंदर आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो गाइस, इसके अंदर अपना फ्रंट कैमरा भी इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो अपना फ्रंट कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। तो इसके अंदर पूरा टेस्ला वाला म्यूजिक सिस्टम डला है, फ्रंट कैमरे की पूरी सेटलमेंट वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा, अभी अंदर का प्रोसेस चल रहा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा टेस्ला वाला। तो एक बार ये पूरा सेट वेट हो जाए, फिर मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ, कौन सा बनाया, कैसा करा गया, पूरा आइडिया ले लो। तो एक बार ये हो जान दो, फिर आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ।
सो गाइस मैं आपको पूरा एक बार इंटीरियर का भी सेटअप बता देता हूँ क्या इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे जिसके पूरे डोर रेडी हुए हैं विद अपनी स्टिचिंग, आप देखो इसके लुक देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है। तो इंटीरियर गाइस पूरा अपने दो कलर में रखा गया, अपना बेज और ब्लैक कलर में। तो एक तो गाइस ये अपना पूरा ये वाला पार्ट कस्टमाइज हुआ है, साथ ही साथ ये वाला पार्ट देखोगे ये भी पूरा पेंट हुआ है अपना पियानो ब्लैक में, आप ग्लॉस देख सकते हो कितनी शानदार है। तो पहले दूसरे कलर का था और ऐसे अपने चारों पार्ट्स इसके पेंट हुए हैं और देखो हाई ग्लॉस बिल्कुल ब्लैक में देख सकते हो इसके लुक, और ये भी काफ़ी शानदार लग रहा है। साथ ही साथ अगर इंटीरियर में आओगे तो आपको इसका पूरा डैशबोर्ड भी रेडी दिखेगा और ये अपना ब्लैक कलर में है। तो मनीष भैया आपने कौन से कपड़े का है ये? नापा। नापा का है तो डैशबोर्ड भी पूरा नापा का और सीट कवर भी, सीट कवर, डोर पैनल सब कुछ नापा में है। और ये अपना नेट में है, वेलवेट का आता है ये, वेलवेट नेट है। तो गाइस आप ये चेक कर सकते हो जो बता रहा था मैं आपको, ये देखो पूरा लुक देख सकते हो आप कितनी शानदार आ रही है नेट की। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है फॉर्च्यूनर एसी कार में रेडी होते हुए। तो भैया इसकी लाइफ वगैरह ठीक है अपने रूप वाले की? भी सही चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो और गाइस आपको सीट कवर दिखाता हूँ, तो सीट कवर की फिटिंग भी देख सकते हो प्योर ब्लैक कलर में रखा गया है और डिसेंट से सीट कवर रखे गए हैं, लुक देख चेक कर सकते हो पूरी आप। और ये वाला पार्ट गाइस बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सफाई से काम हुआ है इसके अंदर आप देखो। और शेयरिंग कवर भी देखो गाइस अपना बिल्कुल OEM वाला स्टिचिंग जो होती है प्रॉपर फिटिंग वाली वो ही है। और यह देखो बिल्कुल फिटिंग देखो, और डैशबोर्ड वगैरह का लुक देख सकते हो कितनी चेंज हो चुकी है बैरिंग। पहले भी कौन से कलर का था ये? ये बेज कलर, बेज कलर का था। तो गाइस अपने डुअल टोन इंटीरियर कर दिया अपना, पहले पूरा अपना बेज कलर का था और आप चेक कर सकते हो ये। और अपना पूरा टेस्ला वाला स्टीरियो आपको दिख रहा होगा, साथ के नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पे अपना गियर बूट ये भी पूरा अपना हुआ है, गियर नॉब वगैरह भी पूरा चेंज करा है ये वाला भी देखो, और जो अपना आर्म रेस्ट है ये भी पूरा ब्लैक में करा है। तो गाइस पूरा इंटीरियर रेडी करा है इसका, रूफ देखो आप, रूफ मुझे बहुत शानदार लग रही है, ये देखो रूफ देखो पूरी अपने नेट वेलवेट नेट में है। और गाइस अपने टेस्ला वाले स्टीरियो की बात करेंगे तो अपने AC कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसी से वर्क करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ वर्क कर रहा है। तो जो फ्रंट कैमरा मैं आपको बता रहा था वो एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देखो ये फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है और लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा देखो सब कुछ परफेक्ट, अपना फॉग लैम, अपना लो बीम, अपना हाई बीम देखो, और बंद करके डिपर मारूँ तो गाइस ये अपना रिस्पॉन्स है। तो आप देखो फ्रंट कैमरा भी प्रॉपर्ली साथ वर्क कर रहा है, इसे बंद कर दोगे तो अपना बैक हो जाएगा। और YouTube वगैरह सब कुछ इसमें वर्क करता है, AC वगैरह सब कुछ इसमें वर्क करता है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये देखो पूरा सब कुछ गाइस फर्स्ट क्लास चल रहा है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये देखो पूरा स्टीरियो दिखा देता हूँ आपको, YouTube वगैरह सब कुछ है, गूगल मैप्स वगैरह, अपना YouTube वगैरह, नेट कनेक्टेड नहीं है बट आप देख सकते हो स्क्रीन कितनी बड़ी है इसकी, इसे भी बंद कर देते हैं देखो। वैसे काफ़ी एडवांस स्टीरियो है और यहाँ पे पूरी आपकी फॉर्चुनर टाइप 1 बनी हुई है, टाइप 2 बनी हुई है पूरी आप देखो, तो ये तो कस्टमाइज हो जाता है देखो पूरी लुक। और स्टीरियो का गाइस फ्रेम देखो तो वो अपना पियानो ब्लैक में, जो साइड में इसके इंटीरियर रेडी हुए थे वो पूरा अपना पियानो ब्लैक के साथ मैच कर रहा है यहाँ पे देखो। और ये भी देखो तो प्रॉपर इंटीरियर गाइस मैच करा गया है और स्टीयरिंग कवर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। अभी इसके अंदर मैट वगैरह भी इंस्टॉल होने हैं, ये देखो पूरी लुक। और दूर से थोड़ी सी लुक दिखाऊंगा आपको, तो अपना डुअल टोन इसमें इंटीरियर पूरा फर्स्ट क्लास बन चुका है। सो गाइज अब एक बार इंटीरियर के बैक में आ गए हैं तो आपको पीछे वाला गेट भी पूरा दिखा देता हूँ जो रेडी हुआ है, और सीट कवर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो अपने पिलर बी, पिलर ए सब कुछ रेडी हुए हैं, आप पिलर भी देख सकते हो अपना पूरा ब्लैक में। और आप देखो जो पूरी रूफ है उसकी फिनिशिंग वगैरह फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो, नेट वाली जो रूफ इसके अंदर रेडी हुई है पूरी, चेक करो। और साथ में गाइज आपको एक और चीज़ दिखेगी इसके अंदर, अपने पीछे स्क्रीन इंस्टॉल हुई है, आप देखो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो जो भी गाइज पूरा अपना फ्रंट में चलेगा, जो भी टेस्ला वाली स्क्रीन में चलेगा, सेम इसके अंदर बैक में चलेगा, आप भी चेक कर सकते हो। अगर गाइज वहाँ पे वीडियो चल रही है तो यहाँ पे वीडियो चलेगी, यहाँ पे कैमरा चलेगा तो यहाँ पे कैमरा चलेगा। तो ये भी आप देख सकते हो काफ़ी क्लासी लुक देता है ये, और ये भी काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पर जा रहे हो, ड्राइवर वगैरह के साथ जा रहे हो, तो ये आपको पीछे से भी प्रॉपर वीडियो आप देख सकते हो, आपको फ्रंट में नहीं देखना पड़ेगा। और फिटिंग देखो गाइज इसके भी कितनी प्रॉपर आई है, अगर आपको चाहे इसे बंद करना है तो आप इसे चेन से बंद कर सकते हो देखो। तो भैया कौन सा ब्रांड का अपना? ये पैनासोनिक का, पैनासोनिक का। तो गाइस ये भी आप देखो इसे बंद कर दिया, यहाँ से पूरा इसे बंद कर दो अगर आपका मन नहीं है, और ऑफ भी हो जाएगा ये तो प्रॉपर वायरिंग वगैरह बनती है। तो भैया एक बार स्क्रीन में कुछ चलाना फ्रंट में। तो गाइस देखो जैसे जैसे जो वर्क कर रहा है सेम वैसे ही वर्क करेगा, साउंड कम कर देना भैया। तो गाइस देखो वहाँ पे वीडियो चली है तो यहाँ पे भी अपनी वीडियो चल चुकी है, ये देखो। तो गाइस ये भी काफ़ी क्लासी चीज़ लगती है और काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है ये, पूरी ये चेक करो। और ये भी इसके अंदर अभी इंस्टॉल हुआ है, और एक बार आपको इंटीरियर की दोबारा से फाइनल लुक दिखा दूँ, अपने बीच में हेडर जो अपना हेडर हैंड रेस्ट होता है वो भी दिखा देता हूँ, चेक कर लो प्रॉपर गाइस सब कुछ सेट हुआ है और पूरा इंटीरियर कस्टमाइज हुआ है इसका, ये भी चेक आप कर लो।
So guys, आप लोगों ने पूरी गाड़ी देख ली और आपने देख लिया होगा भाई क्या क्या कैसे कैसे सारा कुछ गाड़ी मॉडिफाई हो गया। तो भैया एक बात बताओ, जो उसके अंदर में टेस्ला स्टीरियो लगा है, कौन कौन सी गाड़ी के लाते हैं बता दो। टेस्ला स्टाइल जो है टेस्ला स्टाइल स्टीरियो भैया फॉर्च्यूनर टाइप 1, टाइप 2 और न्यू फॉर्च्यूनर और एक्सयूवी 5। पोलो, पोलो का भी आता है, क्रेटा का भी आता है, बट इसमें एसी कंट्रोल होती है। अच्छा, तो इन सब चीज में बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी और सब कुछ वर्क करेगा। साथ ही साथ भैया जो हमने कस्टमाइज अपनी हेडलाइट करी है, हमने जो भी कस्टमाइजेशन करी है, एक बार इसकी एक अप्रॉक्स कॉस्टिंग बता दो क्या पड़ती है। इसमें हमने भैया हेडलाइट में 2 सेट DRL लगाया है, 3 सेट LED लगाई है भैया। इसका खर्चा तकरीबन मान के चलो यही 17-18 हज़ार रुपये खर्चा। 17-18 हज़ार में कंप्लीट कस्टमाइजेशन हो जाएगी। और किसी को अगर आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर लगाना हो तो आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर सर, इसके हेडलाइट में आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर लग जाएगा, बट उसके लिए जो है ये जो ओरिजिनल वही जो प्रोजेक्टर है वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, और जैसे किसी भाई की गाड़ी रिफ्लेक्टर होती है तो उसमें प्रोजेक्टर लग के पूरी कस्टमाइजेशन हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें हमने ब्लैक इंटीरियर जो किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और भैया जो हमने रूफ करी है नेट वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो भैया उसकी कॉस्टिंग आती है एक बार बता दो। रूफ की कॉस्टिंग खाली अगर आपको रूफ करानी है तो उसका खर्चा 5000 है। जो ये नेट वाली है तो उसमें कलर भी कोई और आते हैं? कलर सारे मिल जाएंगे, कलर सारे मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा, ब्लैक ही पसंद है, ब्लैक। तो गाइस आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा गाड़ी कहाँ से कस्टमाइज कैसे होगी, पूरी मॉडिफिकेशन मनीष भैया ने करा है। तो अगर भाई आप में से किसी को करवाने तो मनीष भैया के पास आ सकते हो। तो मनीष भैया कैसे आना है और कहाँ आने को बता दो। करोल बाग आना भैया, करोल बाग नाई वाला 66 नंबर गली अब्दुल अजीज। तो गाइस भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना और सारी डिटेल्स आप देख लेना। कॉल करके आप से एग्जैक्ट प्राइसेस भी ले सकते हो कि क्या क्या। तो भी एक चीज और बता दो, जो आज गाड़ी पूरी रेडी हो इसका एक क्रॉस खर्चा कितना बैठेगा पूरी गाड़ी का? और पर्सनली बताऊं तो भाई हेडलाइट में बिल्कुल जान आ गई है और बिल्कुल सही में जेन्युइनली लग रहा है BMW इंस्पायर्ड, और बहुत ही शानदार मनीष भैया ने कर दिया। फिनिशिंग आप लोगों ने देख ली होगी। तो भाई आज की वीडियो बस यही एंड कर रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मनीष भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी दिख रहा होगा, कोई भी डाउट हो कुछ भी आप भैया को कॉल करके आप काम करवा सकते हो। थैंक यू।